इस वीडियो में हम आपको सेरेब्रल एनुरिज्म्स, ब्रेन की एनुरिज्म्स के बारे में बताना चाहेंगे। एनुरिज्म्स एक तरह से गुब्बारा बन जाता है ब्रेन की खून की नलियों में, और ये गुब्बारा बर्स्ट करके ब्रेन में ब्लीडिंग कर देता है, जो कि मरीज के लिए घातक हो सकता है। इसको जल्द ही रिपेयर करना जरूरी होता है, नहीं तो दोबारा ब्लीडिंग होने का कभी भी अंदेशा रहता है। पहले इसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करके एक क्लिपिंग टेक्निक के द्वारा रिपेयर किया जाता था। आजकल हम इसी को बिना ओपन सर्जरी करे पैर की खून की नली के रास्ते जो एंडोवैस्कुलर टेक्निक कॉइलिंग होती है, उससे हम सेरेब्रल एनुरिज्म्स को रिपेयर कर लेते हैं, और इस मेथड में सर्जरी के बजाय सेफ्टी फैक्टर ज्यादा रहता है। इस वीडियो में हमको दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। ब्रेन की खून की नली है जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही है, और इस जगह ये स्वेलिंग बन गया एनुरिज्म्स। ये एंजियोग्राफी करके हमने देखा कैसे जाता है, और ये तार से हम एक पतली सी ट्यूब माइक्रो कैथेटर को उसके अंदर लेके गए हैं कॉइल डालने के लिए। ये कॉइल हैं जो प्लेटिनम के रिंग होते हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो हम एनुरिज्म के अंदर डाल रहे हैं। पर देखिए मेन नली में ये कॉइल नहीं आई। एक बारी एक ये कॉइल चली जाती है तो इसको बाहर से हम लोग डिटैच कर देते हैं। डिटैचमेंट के पहले हम उसकी हमेशा पोजिशन को दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसी के अंदर एक छोटी कॉइल डाली जाती है ताकि हम एनुरिज्म को पूरा बंद कर पाए। इन कॉइलों के आसपास ब्रेन का खून जमने लगता है, क्लॉट बनने लगता है। एंजियोग्राफी करके चेक किया कि सब ठीक है, पर एनुरिज्म भी भर रही है। तो फिर हम लोग एक और कॉइल इसके अंदर और कॉइल डाल देते हैं जब तक कि पूरा भरना बंद ना हो जाए। अब हमने एंजियोग्राफी किया तो देखा कि एनुरिज्म नहीं भर रहा है, तो हम इस ट्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं।